वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे अपना एक बहुत ही प्यारा सा सेशन होता है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है सेशन के अंदर और चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा बेटा, आज 25 अप्रैल ही तो है, और कौन सा दिन है आज। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, राहुल राजपूत वेरी गुड मॉर्निंग, रोशन, काना जी, निर्मल, सुशील व्लॉग, सभी लोगों का स्वागत है सेशन के अंदर। आप लोग फटाफट से आइए सेशन में, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास जो है अपनी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आज जो है हम लोग वो सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मान लीजिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन हैं, फिर नेशनल लेवल के क्वेश्चन हैं, इंटरनेशनल पे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को नियुक्त किया गया, तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे चर्चित महिलाओं के ऊपर, यानी कि अभी भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही हैं, तो उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी लोग आ जाइए सेशन के अंदर, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ जी, जितनों का भी एग्जाम लगा है एसएससी एमटीएस का, या फिर वो सीजीएल देना चाहते हैं, नेक्स्ट वाला सीआरपीएफ अगर निकालना चाहते हैं, तो वो इस क्लास में ज़रूर आए। करुणा वेरी गुड मॉर्निंग, काना, राहुल, श्रद्धा, शिव प्रसाद, हरून वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सो क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है, ठीक है। चलिए सो सबसे पहले आ जाता है 25 अप्रैल, आज आपकी डेट हो जाती है। और सुनिएगा आज कौन कौन से करंट अफेयर्स के बुलेटिन आपके लिए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना करी है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। न्यूजीलैंड के पास कैमरा डेक द्वीप में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। तेली मानस लोगों के लिए बनी संजीवनी, 1 लाख के अधिक लोगों ने लिया फोन पर परामर्श। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है। सरकार 100वें एपिसोड के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए 100 रुपये का सिक्का भी जारी करने वाली है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी प्रयास जो है जारी कर दिए। भारत वर्ष 2030 तक मलेरिया को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। चीन के रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज समारोह में शामिल हो गए। G20 देशों की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक बेंगलुरु में शुरू करी गई। और अब हम लोग देख रहे हैं अपना MCQ वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये है, ठीक है। आप लोग बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने ये है, किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त कर लिया गया है। तो आंसर सभी लोग दीजिएगा। हाँ जी, सभी के सभी, अरुण सिन्हा है, विपिन कुमार है, जुगनू शर्मा है, या फिर दिनेश मिश्रा को जो है अभी हाल ही में अपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है। तो सभी लोग आ गए हैं ना सेशन में, और आंसर देना है सभी को, ठीक है। तो अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के तौर पे, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो आपकी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये भारत सरकार के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और ये भारत सरकार की खुफिया एजेंसी है, ठीक है। खुफिया एजेंसी के तौर पे भी, जैसे खुफिया एजेंसीज होती है ना, उनके तौर पे ये आपकी काम करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी एनटीआरओ की बात कर ली जाए, ये स्थापना जो है इसकी वर्ष 2004 में करी गई थी। अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है, अध्यक्ष, है ना जी, अध्यक्ष चुना गया। और अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। वेरी गुड मॉर्निंग रीता, शिव प्रसाद, प्रीतम। अभी प्रीतम वो चीज़ लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अध्यक्ष यहाँ पर आपके बने हैं कौन, अरुण सिन्हा। सेम इन्हीं के नाम जैसा अभी एक और अपॉइंटमेंट हुई थी अरुण गोयल की, किसकी, अरुण गोयल की अपॉइंटमेंट हुई थी। इनकी बात कर ली जाए तो अरुण गोयल हैं कौन, हमारे भारत के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर से आपको ध्यान रखना है वो कौन है, आपके अरुण गोयल है, ठीक है, अरुण गोयल हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो गया, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। वर्ष 2004 में इसकी स्थापना होती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये मुझे आप लोग आंसर करके बताइए, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, ठीक है, आंसर करिएगा सभी के सभी। जैसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। देखिए हम आपसे कह रहे हैं भारतीय वायुसेना, यानी हु हैज टेकन ओवर द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ अभी हाल ही में किसको बनाया गया, अमरप्रीत सिंह, ठीक है, अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए हाल ही में जो यहाँ के चीफ है, ठीक है, चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है, चीफ ऑफ एयरफोर्स आपके कौन हो जाते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पर क्या है, चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात किया है वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन हो जाएंगे, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CFO किसे अभी हाल ही में बनाया है। ठीक है, इनके प्रबंध निदेशक और CFO हाल ही में किसको बनाया गया है, तो सत्य नारायण राजू। ठीक है, सत्य नारायण राजू को बनाया। प्लीज़ आप लोग जो भी पढ़ाया जाए उसका नोट्स ज़रूर बना के चलिए, है ना, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आपको चीज़ें यहाँ पर याद होंगी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बताइए शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कुछ समय पहले आपको मैंने बताया था जो हमारी शांति कुमारी हैं। ठीक है, शांति कुमारी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी को जो है यहाँ पर नियुक्त कर लिया गया है महिला के तौर पर, तो इनको मुख्य सचिव बना दिया गया था और ये जो है बिलोंग करती हैं किससे, तेलंगाना से। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य के अंदर बनाया गया। वही बात कर ली जाए तेलंगाना की, तो इसको राज्य का दर्जा वर्ष 2 जून 2014 के अंदर बनाया गया था। और यहाँ के जो आपको पता है जो CM है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में किसको बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। BRO की बात कर ली जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है हमारा किसके साथ, भूटान देश के साथ, और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हाल ही में किसको चुन लिया गया है। वेरी गुड सुब्रता, हरून, सुशील, एकदम सही आंसर है, ये है सुरभि जखमोला। ठीक है, कौन है, सुरभि जखमोला को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। पहली महिला अधिकारी हैं जिनको BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट कर लिया गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही का बताइएगा, किससे दिग्गज टेनिस खिलाड़ी द्वारा अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया है, ये बताइएगा अभी हाल ही में। ठीक है, क्रॉस कोर्ट ये एक किताब है। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखी है बताइए, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है ना, किसने लिखी, रोहन बोपन्ना, जयदीप मुखर्जी हैं, लियांडर पीस या फिर अर्जुन खड़े, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, बताइए। ठीक है, उमेश आदर्श का आंसर भी आ रहा है, हरून ए, बिल्कुल सही बेटा, हो जाएगा क्या, जगदीप मुखर्जी के द्वारा अभी हाल ही में ये किताब लिखी गई है, ये है जगदीप मुखर्जी, और इनके द्वारा जो है क्रॉस कोर्ट ये बुक अभी हाल ही में इसका विमोचन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है ये कौन है, फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, रमेश कृष्णन और सोमदेव देव वर्मन जैसे प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की मौजूदगी में अपनी आत्मकथा जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट का लोकार्पण किया है। ये क्या है, इन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में सारी जितनी भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस बुक में इन्होंने प्रदान करी है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे, किसने हाल ही में मोदी या ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च करी है। एक दिन मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स वाले क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो उसमें से आपको अगर याद होगा तो आप अच्छे से आंसर कर देंगे कि किसने अभी हाल ही में मोदी या ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च करी है। हाँ जी, वेरी गुड, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखो एक आंसर कर रहा है रुपेश, कह रहा है कोची। बेटा कोची यहाँ पर आप कैसे बता सकते हो, यहाँ पर आपको इंसान का नाम बताना है। ठीक है, तो कौन यहाँ पर हो जाएंगे, JP नड्डा जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। फिर आते हैं किसके द्वारा लिखित नई किताब अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन किया गया। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, अनुराग बेहर। कोई बात नहीं, अगर आपको चीज़ें याद नहीं हैं आप सिंपली नोट्स बनाते हुए चलिए, कॉपी में लिखते हुए चलिए, जिससे आपको आगे अगर जब भी पूछा जाए तो आप बता पाएं। ठीक है, तो अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन किया है अनुराग बेहर के द्वारा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किया। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, ये जितनी भी पुस्तकें हैं इनका विमोचन अभी वर्ष 2023 में हुआ है, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात कर ली जाए आपके जो क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड किताब है, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, ये हमारे भारत के थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो मनोज पांडे भारत में हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। आगे आ जाइए बेटा, ये वन लाइनर क्वेश्चंस है ना, ये वन लाइनर क्वेश्चंस ये रिवीजन के लिए आप कर सकते हो। किसके द्वारा लिखित उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया गया? विक्ट्री सिटी ये एक नॉवेल है और किसने जारी किया, तो सलमान रुश्दी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अभी हाल ही में इसको जारी किया है इस किताब को, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, अब ये बताइएगा इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे वेरी गुड मॉर्निंग विवेक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB किस शहर में पहला विदेशी कार्यालय खोल रहा है, ठीक है। तो लंदन है, टोक्यो है, अबू धाबी है, या फिर ये दुबई के अंदर अपना पहला कार्यालय खोल रहा है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। सभी लोग बताइए, वेरी गुड मॉर्निंग विवेक, कान्हा, आदर्श, बताओ भाई, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बताएंगे। ये जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना थी वर्ष 2016 के अंदर इसको स्थापित किया गया और आप सभी को पता है मुख्यालय आपको इसका हमारे प्यारे से पड़ोसी देश चाइना, बीजिंग के अंदर मिलता है। वहीं अगर बात कर ली जाए, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो अपनी शाखा कहाँ पर खोलने वाला है, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं ये अपना निवेश भी अभी हाल ही में कौन से शहर में करेगा, तो अबू धाबी के अंदर जो है ये निवेश कर रहा है, यानी ऑप्शन C बिल्कुल सही। वेरी गुड मॉर्निंग ओम, वेरी गुड मॉर्निंग विवेक, आदर्श, ठीक है। सो आप नोट जरूर बनाते हुए चलिए, बहुत आराम से अपनी क्लास चलने वाली है, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी हाल ही में, ठीक है, अबू धाबी के कहां पर ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। एक फॉरेन यानी विदेशी कार्यालय स्थापित कर रहे हैं। ये क्या है, ये बहुपक्षीय विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक के तौर पर आप इसे ध्यान रख सकते हैं, जो कि क्या करता है, बुनियादी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको एक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर यह ध्यान केंद्रित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 और आपको क्या मिल जाएगी, बीजिंग चाइना के अंदर आपको इसके मुख्यालय मिल जाता है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, ये बताना है एप्पल हैज ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारी एप्पल कंपनी है ना, जो कि स्टीव जॉब्स के द्वारा उसको फाउंड किया गया था, ये आपके पहली बार हमारे भारत में इसने अपना निवेश किया, यानी अपना पहला स्टोर खोला है। तो कहां पर खोला है, रुपेश, आदर्श, उमेश, कान्हा, बताओ भाई जल्दी से सभी लोग बताइएगा। हाँ जी, एप्पल की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्थापना करी गई थी वो स्टीव जॉब्स के द्वारा करी गई थी। वर्तमान में इसके CEO आपको पता है टिम कुक है। टिम कुक भारत में आए थे जब इनका स्टोर पहली बार खोला गया हमारे इंडिया के अंदर, तो टिम कुक जो है आए थे। आपको पता है कि भाई कहाँ पर ओपन किया गया, जो पहला स्टोर है वो मुंबई के अंदर खोला गया है। इसकी एक जियो मेगा मॉल है जो कि मुकेश अंबानी की है, वहाँ पर इस मॉल के अंदर जो है इसको ओपन कर लिया गया। आपको पता है ये इसका नाम है एक पर्टिकुलर Apple BKC, ठीक है, Apple BKC इस स्टोर का नाम है। बांद्रा कुंद्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको ओपन किया गया, इस वजह से इसका नाम Apple BKC रखा गया, ठीक है। इसका जो सेकेंड स्टोर है वो ये लोग कह रहे हैं दिल्ली के अंदर ये ओपन करने वाले हैं। पहला स्टोर कहाँ पर, तो मुंबई में, और दूसरा स्टोर कहाँ पर, तो यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन हुआ है। अच्छा, आज कौन सी डेट है आपकी, 25 अप्रैल है, ठीक है। 25 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, क्या कोई मुझे बता पाएगा, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को अगर बात करते हैं, कल हमने किसका हैप्पी बर्थडे मनाया, ठीक है, कल किसका हमने हैप्पी वाला बर्थडे मनाया, ये भी बताइएगा। तो अभी हाल ही में जो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो ये किताब है, इसका विमोचन किया है किसने, आंसर आ रहा है बोरिया माजूमदार। उमेश वेरी गुड, कौन है, बोरिया माजूमदार, ठीक है, माजूमदार। ये बुक कैसे लिखी गई, क्योंकि भाई हमारे जो सचिन तेंदुलकर जी हैं इन्होंने अपने 50 वर्ष कंप्लीट करे, यानी ये 50 साल के हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इनका बर्थडे कब पड़ता है, तो 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे पड़ता है, ठीक है। और कल जो है हमारे सचिन तेंदुलकर जी क्या है, ये 50 वर्ष इन्होंने अपने पूरे जीवन के कंप्लीट कर लिए। फिर 25 अप्रैल की बात करते हैं तो इस दिन हम लोग मनाते हैं वैश्विक मलेरिया दिवस। इसलिए मैंने आपको एक बुलेटिन में पढ़ाया कि भारत क्या करेगा, भारत और पूरे विश्व का टारगेट है कि हम लोग मलेरिया मुक्त बन जाएंगे वर्ष 2030 तक, ठीक है। अभी हाल ही में अब एक हमारा देश है अजरबैजान, ये मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। और एक है तजाकिस्तान, ये भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। तो ये दोनों याद रखेंगे, ये दोनों जो देश हैं ये मलेरिया मुक्त घोषित करे गए हैं। हाँ जी, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो इनको 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इनकी किताब बोरिया माजूमदार ने लिखी, 24 अप्रैल को इनका हैप्पी वाला बर्थडे आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बताना है आपको सही जवाब आपके सामने यहाँ पर क्या है। किस देश में जमी हुई झील के नीचे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को खोजा गया है। बेटा वायरस से बच के रहिए, है ना। कभी जीका वायरस आ रहा है, कभी कोरोना वायरस आ रहा है, कभी बर्ड फ्लू वाली चीज़ें आ रही हैं, है ना। फिर कभी आ रहा है कौन सा ज़ोंबी वायरस, बस इसका ही आना रह गया था जब लोग क्या होंगे पागल बन के घूमेंगे। अब यहाँ पर क्या है, किस देश में जमी हुई झील की अगर हम बात कर लेते हैं 48,500 वर्ष पुरानी ज़ोंबी वायरस वहाँ पर खोजा गया। तो कहाँ पर खोजा गया है बेटा, आपको पता है रशिया के अंदर। बस यही बाकी रह गया था सुनना, रशिया जहाँ पर इतनी तबाही ये फैला रहा है। अब इसके यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, ज़ोंबी वायरस। आपने मूवीज देखी होंगी ना, जब इंसान क्या होता है पागल बन के घूमता है, यानी उसके अंदर जानवरों वाली हरकतें आती हैं, तो उसको कहते हैं ज़ोंबी वायरस। और मैं नहीं चाहती कि पूरे विश्व में ऐसा कोई वायरस फैले, ठीक है। तो ये रशिया। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर जो जीका वायरस है वो सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था, भारत के अंदर कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था, ये ज़रूर आपको बताना है। अभी जो हमारा प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ठीक है, इसने अभी हमारा एक जो मंकी पॉक्स है ना, मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया। ये मुझे 4 चीज़ें कुछ आप लोग बता पाएंगे तो ज़रा बताना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जीका वायरस की बात करते हैं, सबसे पहले जो जीका वायरस हमारे भारत में खोजा गया है वो कर्नाटक में खोजा गया। और कोरोना वायरस आपको पता है सबसे जो लिटरेट स्टेट है हमारा केरल के अंदर खोजा गया है। रशिया से अगर बात कर ली जाए, रशिया अभी हाल ही में हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो हम क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल अगर हम किसी देश से मंगवाते हैं तो हम रशिया से मंगवाते हैं। और रशिया से हम सबसे ज्यादा हथियारों का इंपोर्ट भी करते हैं। WHO की स्थापना मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को होती है, तो 7 अप्रैल को हम लोग WHO का स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। और हम लोग इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। अच्छा, फिर मंकी पॉक्स का नाम बदल के इन्होंने क्या किया, M पॉक्स कर दिया, ठीक है। M पॉक्स यहाँ पर इन्होंने नाम बदल के कर दिया है। क्लियर हो गई बात। अब आगे, भारत और किस देश ने हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर करे हैं, ठीक है। भारत है और कौन सा देश है जिसने हाल ही में किस पे हस्ताक्षर करे गए हैं, प्रवासन और गतिशीलता को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं, तो बताइए एक बार। हाँ जी, हाँ भाई, वैसे ही कुछ हो सकता है ना। ठीक है बेटा, रशिया, आदर्श, अमित, आंचल, सभी लोग बताइए यहाँ पर क्या होगा। रवि, वेरी गुड मॉर्निंग। भारत और किस देश के बीच में प्रवासन और गतिशीलता को लेकर हस्ताक्षर करे गए, आपको ध्यान रखना है मैम, जर्मनी, है ना, जर्मनी। जर्मनी से याद रखेंगे, इसने अभी हाल ही में मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है, जो कि हमारा इंडिया होस्ट कर रहा था। नोट्स बनाते हुए चलेगा प्लीज, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे मैम एग्जाम में नहीं आया चीज, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में कैसे आएगा। जर्मनी ने अभी पूरे विश्व में एकमात्र, अगर हम बात करें, एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बना दी है। फिलहाल इसको कॉपी करते हुए चाइना ने भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बना दी है, जो कि एशिया का पहला देश है और विश्व का दूसरा देश है। इराक को पीछे छोड़ पहली बार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, यानी अगर हम बात करते हैं जो अभी मैंने बताया आपके भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो हमें देता है वो कौन देता है, बताइए। क्रूड ऑयल की सप्लाई भारत के अंदर कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा, तो रशिया करता है ना। कौन सा करता है, रशिया करता है, आपको पता होना चाहिए। और रशिया से ही हम लोग हथियारों का इंपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है हमारे भारत के अंदर, अमेठी के अंदर क्या बनाया जा रही है, AK-203 भारत में अमेठी के अंदर बनाई जा रही है। और ये जो प्रोडक्ट है कहाँ से, किसके साथ हमने टाई अप किया है, रशिया के साथ ही वो भी टाई अप किया है। वेरी गुड मॉर्निंग संध्या, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब ये करना है, किस राज्य सरकार ने एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना प्रारंभ करी है, तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर केरल के अंदर इसको प्रारंभ कर लिया गया, बताओ भैया सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अमित, हथियार, हाँ हथियार, हमें सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो भी हम रशिया से इम्पोर्ट करते हैं। ये कौन सा हो गया, केरल हो गया। तो अगर हमको बताया है यहाँ पर क्या बोला गया है, जो इसके सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पिनराई विजयन, है ना, पिनराई विजयन, पता होना चाहिए आपको। ये जो है इन्होंने बोला है हमारे भारत के अंदर ग्राउंड्स की बात करते हैं, स्पेशल ग्राउंड्स बनाए जाएंगे केरल में और उस ग्राउंड के अंदर एक स्पेशल स्पोर्ट खेला जाएगा। ठीक है, मान लो बैडमिंटन है तो बैडमिंटन के लिए एक स्पेशल स्पोर्ट खोलेंगे कहाँ पर, केरल के अंदर। ठीक है, तो ये कौन है, आपके सीएम हो जाएंगे केरला के, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, फिर एक चीज़ ये आपको देखना है तो किसने किया है, हमारे केरल के पिनराई विजयन ने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट, है ना। हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होगा जिसका एक अलग से स्पोर्ट भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, इसको एक बार याद करिएगा। देखिए, केरल सरकार ने दक्षिणी राज्य की प्रत्येक पंचायत, यहाँ से बोला कि हर एक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण खेल मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना, यानी कहीं ना कहीं स्पोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए किया इन्होंने। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कलिक्कड़ में, कहां पर किया, कलिक्कड़ में एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना का उद्घाटन किया है। खेल के मैदान स्थानीय समारोह और सामाजिक मेलजोल के केंद्र के रूप में यहां पर काम करने वाले हैं। ठीक है, समझ हो गया? हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम उड़ीसा, ठीक है, ये तो आप सही बता रहे हैं। देखो, अगर हम लोग केरल की बात कर ले जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। सब पहली बात तो याद देखना है, सबसे सेफ स्टेट है वुमेन टूरिज्म को लेके, ठीक है। यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया गया, पहली बार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि मलयालम भाषा में है। केरल ने अभी हाल ही में खुद की इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है ना, खुद की इंटरनेट सेवा। ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग जो यहाँ पर इंटरनेट देंगे वो एकदम मतलब एकदम चीप प्राइस में इन्होंने देने की बात करी है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई बात नहीं आंचल, देखो यहाँ पर, हाँ, इसके तट को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। फिर केरल से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अभी हाल ही में, अच्छा, सबसे पहला स्टेट जिसके पास पेपरलेस हाईकोर्ट है ना, पेपरलेस हाईकोर्ट पाने वाला, यानी ई कोर्ट पाने वाला जो पहला राज्य है वो आपका यहाँ पर कौन सा है, केरल ही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बताएगा, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं अभी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सबसे पहले भिखारी मुक्त शहर बना, यानी कि उस शहर के अंदर आपको कोई भी भिखारी नहीं मिलेगा। अब पता नहीं वहां पर सच में भिखारी नहीं या फिर भिखारियों को कहीं ले जाके उन्होंने छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किस भारतीय शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल शुरू करी गई थी, तो ये नागपुर के अंदर है ना, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और नागपुर के अंदर आपको पता है, नागपुर के अंदर अभी यहाँ पर एक डबल डेकर बस फैसिलिटी है, ठीक है। डबल डेकर बस फैसिलिटी को आपको याद होना चाहिए, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। अगला है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया, तो आरोग्य महिला जो है, हाँ, डबल डेकर बस फैसिलिटी के अंदर इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिला है। यहाँ पर बात कर लें, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला अभी हाल ही में इन्होंने शुरू किया। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि अभी इन्होंने बनाए हैं 100 हॉस्पिटल्स, है ना, 100 हॉस्पिटल स्पेशली फॉर वुमेन्स, और ये बनाए गए हैं तेलंगाना के अंदर, ठीक है, तेलंगाना के अंदर इन हॉस्पिटल्स को बनाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन भी बता दीजिए एक बारी, जैसे हम कह रहे हैं किस राज्य में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण अभी हाल ही में शुरू किया गया। हाँ, उमेश, काना, हरून, सुशील, सभी लोग लाइक भी कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइए, किस राज्य में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने के द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण किया गया, तो ये आपके कर्नाटक में किया गया था, ठीक है। फिर है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 7 राज्यों में पीएम मित्रा योजना, पीएम मित्रा स्कीम लागू करने की घोषणा करी, यह किसने घोषणा करी थी, सुशील, उमेश, रवि, अमित, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अमित। अब देखो इसकी बात करते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर यहाँ पर देखो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हम 7 मित्रा पार्क्स बनाएंगे और ये फोकस कर रहा है टेक्सटाइल्स के ऊपर, ठीक है। और ये किसने बताया है, तो हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा पहली बात तो इसको शुरू किया गया है। और कपड़ा मंत्रालय की मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। पीयूष गोयल याद रखिएगा, इससे पहले स्मृति ईरानी के पास था बट उनसे छीनकर इनको दे दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओलिवर डाउडन को किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया गया? रिसेंटली ओलिवर डाउडन हैज बीन नेम्ड एज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, अपॉइंटमेंट के सवाल है और ये क्वेश्चन आएगा, बताइए। हाँ जी, कपिल रवि, जैसे अगर हम बात करते हैं ओलिवर डाउडन को अभी हाल ही में क्या किया गया है? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है यूके का। ठीक है, यूके की बात कर ली जाए, अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे जिनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक आपके यूके के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। और इनसे पहले कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम है लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद जो है यहाँ पर ये चीज़ हुई है। बी आंसर बिल्कुल सही है, उत्तराखंड नहीं, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन ये है, बताना अभी हाल ही में जो है कहाँ का क्या हुआ? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 6वीं बार प्रधानमंत्री बने? बताइएगा, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 6th टाइम जो है पीएम यहाँ पर बनाए गए हैं? आंसर करना रवि, अमित, संजय, उमेश, विशाल भाई, एक बार शेयर कर दो, एटलीस्ट 100 क्रॉस तो होना ही चाहिए यार, है ना। शेयर कर दीजिए और सेशन में बने रहिए। आप सेशन को एटलीस्ट 2-3 दिन भी देखेंगे तो आपका खुद का फायदा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू कौन से देश के हैं? तो इजराइल देश के अंदर इनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुना गया। सितवेनी राबुका किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? सितवेनी राबुका कौन से देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? आपको पता है, फिजी की। और फिजी के अंदर अभी हमने हाल ही में अपना 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां अभी हमने किया है। ठीक है, 10 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। 14 सितंबर को हम लोग सिर्फ हिंदी दिवस मनाते हैं जो कि हमारे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, दीना बुलवाट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दीना बुलवाट कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति? भैया सभी लोग लाइक शेयर कर दो, एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए सेशन में, है ना। एक बार जल्दी से, अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो मैम के लिए एटलीस्ट, है ना। अब देखो क्या है, दीना बुलवाट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपको पता है ये पेरू देश की बनी है पहली महिला राष्ट्रपति। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर है पुष्प कमल दहल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने? नेपाल के। और नेपाल के अंदर तो अभी राष्ट्रपति को भी चुना गया है, तो एक बार बताइएगा जल्दी से, है ना, राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है नेपाल के। और अभी आपको पता है उपराष्ट्रपति भी किसी को चुना गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों का आंसर करेगा क्योंकि नेपाल के अंदर अभी हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट करी है। बताओ भाई जल्दी से। हाँ देखो, हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ 1-लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या है। राष्ट्रपति की अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति यहाँ पर कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताइएगा, रामचंद्र पौडेल यहाँ पर हो जाएंगे। और उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? राम सहाय यादव। हाँ जी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, राम सहाय यादव, सहाय यादव। ठीक है, ये यहाँ पर कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। अगले सवाल पे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये बताएगा सभी लोग। ठीक है, और भैया लाइक और शेयर भी कर दो एटलीस्ट। रामचंद्र पौडेल आपके प्रेसिडेंट हैं। चलो हाँ, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेगा। जैसे कह रहे हैं, किसे बीईएमएल लिमिटेड के अगले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में बीईएमएल लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आंसर करना है। अमित बनर्जी है, विपिन रावत, पंकज शर्मा या फिर शांतनु राय को बनाया गया। तो आपको पता है शांतनु राय को यहाँ पर जो है नए एमडी बनाया गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं, ये है शांतनु राय और इनको ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि जो शांतनु राय है पहले यहाँ पर निदेशक के तौर पर भी काम कर रहे थे इसी बीईएमएल के अंदर। ठीक है, सीएमडी अगर हम यहाँ पर बने हैं बीईएमएल के अंदर, ये पहले निदेशक के तौर पर भी काम कर रहे थे। बीईएमएल की बात करते हैं तो ये जो कंपनी है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ जाती है। और मिनी रत्ना कंपनी, जैसे हमारी महारत्ना कंपनी होती है ना, ये मिनी रत्ना कंपनी के अंदर ये आता है। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा सभी लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए क्या सही जवाब है। किसे चार्टगढ़ राज्य के भारत के अगले राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया? ठीक है, प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा। कौन है? हिफजुर रहमान। ठीक है, हिफजुर रहमान को नियुक्त किया गया। आगे आ रहे हैं, कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक के नए सीईओ और एमडी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कोई आंसर करेगा। हाँ जी सभी लोग बताइए। हाँ, हिफजुर रहमान हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? सत्य नारायण राजू। ठीक है, सत्य नारायण राजू को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल ये है, किसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अगले सीएमडी के तौर पे नियुक्त किया गया? भारत डायनेमिक्स के अगले सीएमडी के तौर पे अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है माधव राय, ठीक है, माधव राय को किया गया। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको किया गया है अपॉइंट? तो ये बताना। काना पढ़ लो, है ना, तुम लोग पढ़ते नहीं हो फिर बाद में कहोगे कि मैम हमारा क्वेश्चन हमें याद ही नहीं था। सुनील तलाटी को अपॉइंट किया गया, ठीक है, सुनील तलाटी। और आप लोग मुझे बताइए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको चुना गया? ये सभी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। रीता, सुशील, संध्या, सभी लोग बताइए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन यहाँ पर बने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार सवाल है। जैसे जियो सिनेमा किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुरेश रैना है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली या फिर लोकेश राहुल को नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर करेंगे हाल ही में, फटाफट से सभी लोग बता। हाँ, रवि बिल्कुल सही है, अनिल कुमार लाहोटी हैं और सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक नरेश ललवानी को बनाया गया था। अब ये आंसर करिएगा। जैसे विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा? तो जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोहित शर्मा बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आपको ये ध्यान रखना है ये कौन है? हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है ये, ठीक है। कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। अच्छा, कितनों को लग रहा है विराट कोहली कैप्टन है अभी भी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के? कौन है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन? तो रोहित शर्मा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनको भी हाल ही में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा, रोहित शर्मा याद रख लीजिएगा, ये डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, ठीक है। इसको आपको याद करके चलना है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपने वो नियुक्त करती रहती हैं। हाँ जी, अच्छा, निर्मल इज अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, चलो बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे एक्वाफिना की जब बात कर लेते हैं, आपने वाटर बॉटल्स देखी होंगी एक्वाफिना की, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है, यानी इनका नाम है कैटरीना कैफ। इनका नाम तो सभी को पता होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं उत्तराखंड, तो हर एक स्टेट का भी कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर जरूर होता है। वैसे ही आ रहा है, उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे। तारे जमी पर आपने मूवी जरूर देखी होगी, है ना, और इनका नाम क्या है सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हरुण, वेरी गुड, प्रसून जोशी, है ना, प्रसून जोशी। और अभी हाल ही में इनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा गौरव सम्मान दिया गया था। जब हम लोग उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं ना, तब इनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया। अगला नॉइस की बात करते हैं, जो नॉइस कंपनी है, ठीक है, ये नॉइस कंपनी की बात कर ली जाए तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके विराट कोहली को बनाया गया है, ठीक है। कौन बने हैं? विराट कोहली को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बायजूस की बात कर ले, अभी के टाइम की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है, ठीक है, सबसे बड़ी एडटेक कंपनी। और इसकी एक पहल थी जिसका नाम है क्या, ठीक है, जिसकी पहल क्या हो जाएगी? एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो पहल है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी को बनाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है निक्षय मित्र। निक्षय मित्र यानी अभी एक योजना शुरू करी गई थी, निक्षय मित्र योजना, ठीक है। इस योजना के अंदर आपको पता है भारत के अंदर जो टीबी है उसको खत्म करने की बात करी जा रही थी, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है? दीपा मलिक, ठीक है, इनका नाम है दीपा मलिक। भाई जो भी फोटो आपके सामने आया आप उसका आंसर जरूर किया करिए। फिर आ जा रहा है अर्बन गबरू, है ना, अर्बन गबरू एक हेयर वॉल्यूमनाइजिंग पाउडर है, वैक्स है, जो कि बालों में लगाया जाता है, जिसके भी बाल अगर कम है, ठीक है, तो बालों को मोटा करने का काम कौन करेगा? ये अर्बन गबरू कर रहा है। और इसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? आपको पता है स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव, ठीक है, स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव बने हैं। फिर आ जाता है फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म, यानी कि स्विट्जरलैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मैत्री राजदूत कौन बनाए गए हैं? हमारे नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं रियल 11। अभी तो अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं या फिर हम यूट्यूब को भी ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो ऐड आता है वो आता है IPL का, ठीक है, IPL का से जुड़ा हुआ क्या आता है? ड्रीम 11 का, ठीक है। तो ड्रीम 11 की भी बात कर लेते हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कुलदीप यादव इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि कहते हैं ना टीम टीम बनाओ तो वही है ये कुलदीप यादव, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनको कंपनी पैसा दे रही है, इसी वजह से ये कह रहे हैं टीम बनाओ, नहीं तो क्यों कहेंगे टीम बनाओ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है नवी टेक्नोलॉजीज। नवी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके MS धोनी है। ठीक है, MS धोनी की बात करें तो ये आपके CSK के कैप्टन है IPL के अंदर, और इन्होंने 200 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं। 200 मैचेस कंप्लीट करने वाले एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं, ठीक है, जो कि अभी भी ये खेल रहे हैं। और अगर बात करते हैं सबसे उम्र दराज क्रिकेटर कैप्टन कौन है, तो वो भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कृति सेनन। कृति सेनन को स्केचर्स, जो शूज आते हैं ना, शूज आपको पता होगा, ये स्केचर्स कंपनी बनाती है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, कृति सेनन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड कौन है, तो इनको यहाँ पर इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, फिर आते हैं पोट्री बान। पोट्री बान कंपनी की बात करते हैं तो इसकी कौन बनी है, आपकी दीपिका पाडुकोन को बनाया गया है। हाँ, वो आपके युवी हैं, यानी युवराज सिंह। ये पोट्री बान की बात करते हैं तो दीपिका पाडुकोन बनाया गया। नायका फैशन की बात करते हैं, नायका फैशन जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये है आपकी, इनका नाम क्या हो जाता है बताना भैया जल्दी से, है ना, इनका नाम क्या है, जानवी कपूर। हाँ निर्मल, इनका नाम तो याद ही रहेगा सबको, कैसे नहीं याद होगा। अब ये हो जाते हैं बोरो प्लस। बोरो प्लस क्रीम जो ठंडियों में बड़ा काम आती है ना, हम लोग लगाते हैं होठों पे, कानों पे, फेस पे। तो ये जो है अगर हम बात करते हैं तो इसके कौन है, आपके अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर अगर बात करते हैं फायर बोल्ट। फायर बोल्ट क्या करती है, ये वॉचेस बनाने का काम करती। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बनी है, ये बनी है, इनका नाम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, क्यारा अडवाणी, है ना, क्यारा आलिया अडवाणी, इनका पूरा नाम है क्यारा आलिया अडवाणी। फिर ओमेरा डेट्स। ओमेरा डेट्स ये जो खाने का सामान बनाती है ये कंपनी, इसके कौन बने हैं आपके यहाँ पर अमिताभ बच्चन बने हैं। ठीक है, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड की बात करते हैं। हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आपके रामचरण तेजा। ठीक है, रामचरण तेजा को बनाया गया। अगला आ जाता है pokerbazi.com। ठीक है, pokerbazi.com की बात कर ली जाए तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए भाई, इनका नाम तो सभी को पता होगा, शाहिद कपूर, है ना, तो ये यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर आगे आ जाता है अपने वन लाइनर सवाल, जैसे अभी हाल ही में HSBC ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बताइए भाई। अब फोटो देख के बड़ा पढ़ लिया, अब ऐसे बताओ थोड़ा सा, HSBC ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी आंसर करेंगे, HSBC बैंक। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो विराट कोहली को बनाया गया। ठीक है, विराट कोहली को बनाया गया। अगला पॉइंट है आपके सामने, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो पहले हमको पता था, ठीक है, पहले पता था कि जो हमारे रणवीर सिंह है, ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और अब किसको बना लिया है, ऋषभ पंत को। ठीक है, ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नाउ। ठीक है, नाउ पिछले महीने हमने पढ़ा था रणवीर सिंह को बनाया था इन्होंने। फरवरी 2023 में पेप्सिको इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो पेप्सिको इंडिया है। ठीक है, पेप्सिको इंडिया की बात करते हैं, है ना, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रणवीर सिंह। ठीक है, इसके अभी भी कौन है, तो रणवीर सिंह हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, भाई लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलेगा। और आपको पता है जो WPL था उसमें मुंबई इंडियंस की कैप्टन रही हैं। ठीक है, मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी, हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने इनकी कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस जो है जीती है WPL, जो आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था मुंबई के अंदर। ठीक है, अभी एक बुक आती है विस्डन बुक जिसके अंदर क्रिकेट के बारे में सब दिया रहता है, सारी अपडेट्स, और ये UK के द्वारा पब्लिश करी जाती है, यानी कि आपका यूनाइटेड किंगडम। इसमें पहली बार हो रहा है कि किसी भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम इसमें जोड़ दिया गया। तो हरमनप्रीत कौर का नाम है इसके अंदर, और हमारे सूर्य कुमार यादव का नाम आपको मिलेगा। ये दो क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम अभी हाल ही में इस बुक के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखो सेवलॉन स्वास्थ्य इंडिया ने किस क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी क्रिकेटर को इन्होंने हैंड एम्बेसडर बनाया है, जिनका नाम क्या है बताओ भाई। T20, सूर्य कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग पंकज, सभी के सभी आंसर करो भाई। सचिन तेंदुलकर, मंगल, वेरी गुड, कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, इनका बर्थडे कब आता है? अभी जस्ट मैंने बताया सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे कब आता है, आंसर आ रहा है 24 अप्रैल, कल मनाया था, है ना। कल इन्होंने पार्टी शार्टी करी होगी खूब ज़्यादा। और इन्हीं के नाम पर अभी एक सचिन @50 बुक लिखी गई है। किसने? तो किसने लिखी है? माजूमदार जी ने। यहाँ पर बोरिया माजूमदार नाम है उनका, और उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। 24 अप्रैल को हम लोग सचिन तेंदुलकर जी का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया? आई थिंक ये भी आप पढ़ चुके, ये आपने बताया है मैंने। तो देखते हैं किसको ये वाला क्वेश्चन याद है कि इन विच स्टेट हैज द किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। ये कहाँ पर? पहली बात तो आपको पता है ये शुरू करी गई है किसानों के विकास से जुड़ी हुई है, ठीक है। किसानों के विकास और जितनी भी उनकी परेशानियां हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के पहली बात तो किसान संपर्क अभियान जो है शुरू कर दिया गया। और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। निर्मल वेरी गुड, सभी का आंसर खैर सही है। देखो, अभी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे अभी हाल ही में यहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी एक फेस्टिवल बनाया गया था, चेनाब वाइट रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल, चेनाब वाइट रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इनके द्वारा अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। ये गया है आलिया मीर को, ठीक है, आलिया मीर को गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर आपको वुलर झील, वुलर झील मिल जाएगी, डल झील मिल जाएगी, और भी कई सारी झीलें हैं, ठीक है, और भी कई सारी झीलें जैसे नागिन झील, तो वो यहाँ पर मिलेगी। बाकी ऑप्शन नंबर भी जम्मू कश्मीर सही है। हाँ बेटा हारून, बिल्कुल सही है। तो ट्यूलिप गार्डन, है ना, ट्यूलिप गार्डन आपका सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसको हम सभी लोग इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, और सिराज बाग भी बोलते हैं इसको। तो इसका इनाग्रेशन कहाँ पर किया गया था? इनाग्रेशन हुआ है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगले सवाल में बढ़े जाए तो ये कहां पर शुरू किया गया? ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे पहले ई गवर्नेंस मोड पर गया, ठीक है, ई गवर्नेंस मोड पर। यह सवाल बन सकता है एग्जाम में कि भारत का पहला ऐसा कौन सा आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड पे गया है, तो वो जम्मू कश्मीर है। ई गवर्नेंस मोड का मतलब होता है वहाँ पर जितने भी सरकारी काम है वो कैसे होने वाले हैं? डिजिटल होने वाले हैं, ठीक है, डिजिटली सारे काम किए जाएंगे। अगले सवाल, अच्छा ये ज़रूर देखिएगा कि 24 अप्रैल को 3565 केंद्र शासित प्रदेश के किसानों के समग्र कल्याण के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ठीक है ना बेटा। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेगा, है ना, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बताइए इसका आंसर क्या है, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है हम सभी लोग किस दिन मनाते हैं? आंसर आ रहा है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, नेशनल पंचायती डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम लोग कब मनाते हैं? आंसर करेगा 21 है, 22 है, 23 है, या फिर इसे 24 अप्रैल वाले दिन मनाया जाता है, ठीक है, या फिर 24 अप्रैल वाले दिन मनाया जाता है। आंसर करिए सभी लोग, 21, 22, 23 या फिर 24, बिल्कुल सही। तो 24 अप्रैल वाले दिन हम लोग मनाते हैं। आपको पता है हमारे भारत देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने वर्ष 2010, ठीक है, 24 अप्रैल वर्ष 2010 में सबसे पहली बार पंचायती राज दिवस बनाने की घोषणा करी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हमारे भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए आई है? तो ध्यान रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना, 73rd संविधान संशोधन के जरिए जो है हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है आई थी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे एक चीज़ ध्यान रखेगा, पहला ऐसा राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। और अगर आपसे वर्ष पूछा जाता है तो 1959 है, ठीक है। सेकेंड स्टेट अगर आपसे पूछता है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया सभी को। तो नेशनल पंचायती राज डे हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है, कब? 24 अप्रैल को। और इस दिन हमारे सचिन भैया का बर्थडे भी होता है ना, तो ये चीज़ मैंने 3-4 बार बता दी, ये तो याद ही होगा। विकी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो ये आप बताइएगा। और 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे, है ना, वर्ल्ड अर्थ डे हमने 22 अप्रैल को मनाया और इसकी जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, क्लियर हो गई इस बात सभी को। अच्छा, किडनी दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, कोई ये बताएगा? किडनी दिवस बेटा किस दिन मनाते हैं, आंसर करेगा। और ये क्या हो जाता है, तो 24 अप्रैल को हमने ये दिवस मनाया, नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है, ये बताएगा आंसर सभी लोग। 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश पंचायती राज इन 1959, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब। बताओ भैया। छोटू, सौरभ, यदुवंशी, चंद्र सिंह, ऑप्शन बी। भाई लाइक भी कर दो एक बार सेशन। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। कौन सा जिला था? नागौर जिला, नागौर जिला। और अगर बात कर ली जाए, दूसरा स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा भारत का राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिएगा चीजें। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1957 में गठित एक समिति ने स्तरीय पीआरआई, ग्राम स्तर पर पीएस, ब्लॉक स्तर पर जीपी यानी पंचायत समिति और जिला स्तर पर जेडपी का सुझाव दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर 1986 में एलएम सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी। पंचायती राज प्रणाली जो है पहली बार राजस्थान स्टेट में आई 2 अक्टूबर 1959 को, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। सबसे पहली बार मनमोहन सिंह जी ने 24 अप्रैल वर्ष 2010 में पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा इन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी है, पीआरआई यानी ग्राम स्तर पर पंचायती समिति, पीएस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं यानी कि हमने अप्रैल के अंदर कौन कौन से दिवस मनाते हैं, 19 डेज। अच्छा, 19 डेज बताओ भैया आंसर क्या होने वाला है, होगा वो 9 AM पे होगा। विशाल, देखिए उड़ीसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना होती है। ठीक है, और इसी दिन हम लोग ये भी मनाते हैं, जैसे एक आपका दिवस होता है ना आरबीआई फाउंडेशन डे, तो ये भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। फिर 4 अप्रैल को महावीर जयंती, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को हम लोग WHO की स्थापना होती है, इस वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। फिर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकेयर डे मनाते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है, उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। ठीक है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था दिवस। और आज है अपना, है ना, 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाएंगे। और 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या? मलेरिया दिवस, यानी आज है अपना मलेरिया डे। इसका क्वेश्चन हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात कर लें हमारे भारत का और पूरे विश्व का जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है वो है वर्ष 2030। ठीक है, अब देखिए ये आपको ध्यान ही होगा, लिवर डे हम लोग कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी है? कौन सा राज्य सरकार है? हाँ बिल्कुल सही सुशील, किडनी दिवस। अच्छा अच्छा भैया, अब बताइए यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कामाख्या कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो वो बनाने की घोषणा अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने करी? असम, रवि का आंसर ए, उमेश असम, सुब्रता, अच्छा रीता गवर्नर और CM बता रहे हैं, निर्मल असम। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर मिलता है? बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो जैसे आपको पता है ना, हमारा महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, तो सेम उसी तरीके से अभी हमारा ये वाला कॉरिडोर यानी कामाख्या देवी कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में अभी बना नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है बनके, ये बनाया जाने की बात कही गई है, क्योंकि अभी एक वीडियो को जारी किया गया था। ठीक है, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वीडियो जारी किया गया, और ये कहाँ पर किया गया? असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कामाख्या देवी कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जो कि मिलेगा कहाँ पर आपको? असम राज्य के अंदर। ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर भी आपको यहीं पर मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं असम की बात कर ले जाए, यहाँ के CM बताने हैं आपको। ठीक है, गवर्नर कौन हो जाएंगे, और इसको हम लोग तो असम के अंदर अभी हाल ही में हमने गज महोत्सव मनाया। अभी असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक विवाद था, ठीक है, 123 गांव को बॉर्डर को लेके, है ना, तो उसको समाप्त कर दिया गया। उसके लिए कभी इन दोनों राज्यों ने मिलकर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लेकर जो है इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर भी किए थे। CM आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कौन, हिमंता विश्व शर्मा, ठीक है, हिमंता विश्व शर्मा CM है और गवर्नर मिलेंगे गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, ये आपको यहाँ पर इसके राज्यपाल मिल जाते हैं, ठीक है। अभी असम के अंदर आपको पता है बिहू नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर करीब 11,000 लोगों ने एक साथ मिलकर बिहू डांस किया, ठीक है, जिसके लिए उनका नाम कहाँ पर जोड़ दिया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर अभी हाल ही में इनका नाम जो है वो जोड़ दिया गया है। असम के अंदर बिहू किया जाता है, बिहू 3 प्रकार का होता है। अब ये बताइएगा कि असम के अंदर जो बिहू किया जाता है 3 प्रकार का, इन तीनों का नाम आप लोग मुझे बताओ। बड़ा छोटा सा सवाल पूछा है, ठीक है, ये मैंने आपको डांसेस वाली क्लास में कराया था कि कितने प्रकार का बिहू होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अंबुबाची मेला मनाया जाता है, ठीक है, अंबुबाची मेला अभी हाल ही में जो आपका असम है, असम के गमोसा को GI टैग मिला, ठीक है, गमोसा को क्या मिला है, GI टैग अभी हाल ही में दिया गया। सिलचट फेस्टिवल आपको यहीं पर मिलेगा। सिलचट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया, असम के अंदर मनाया गया। फिर अभी हाल ही में आपको पता है, ठीक है, एक चीज, एक क्वेश्चन था दिमाग से निकल गया, कौन सा था, बिहू नृत्य, हाँ ये हो गया, गुलाब चंद, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा था, तो असम के अंदर, ठीक है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र खोला जा रहा है असम के अंदर, अभी उसमें बनाया जा रहा है, ठीक है, तो असम आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे हमारा काशी विश्वनाथ है ना कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर आपको मिल जाएगा MP में, तो उसी तरीके से कामाख्या देवी कॉरिडोर को बनाया जाएगा। फिर अगर बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे CM है हिमंता विश्व शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में मिशन लाइफ का इनाग्रेशन किया असम के अंदर, मिशन लाइफ असम के अंदर शुरू हुई, ठीक है, तो उसमें 4 मिनट 5 सेकंड का एक एनिमेटेड वीडियो इन्होंने लगाया, ठीक है, जारी किया एक ब्लूप्रिंट के जरिए। ये जो है ये एनिमेटेड वीडियो है, ये ब्लूप्रिंट है जिसका फोटो मैंने यहाँ पर लगाया, क्योंकि कुछ इस तरीके से कामाख्या देवी कॉरिडोर बनाया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में चुनाव प्रसार के दौरान माँ कामाख्या कॉरिडोर का ऐलान किया था। गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर आपको मिलता है, तो सेम इसी के बेसिस पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 51 शक्तिपीठ है, जो हमारे पूरे भारत के 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक आपका ये मंदिर भी है। इन्हें कामेश्वरी या फिर हम कह सकते हैं इच्छा की देवी भी हम इनको कहते हैं, तो प्लीज नोट करके चलेगा, है ना। प्रिया, सुखराम, उमेश, छोटू, रवि, प्लीज इसे जरूर नोट करके चलेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और गाइज अगर आपको पूरे साल वाला करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, तो उसका मिक्सअप आप डिजिटल लाइब्रेरी के 9 AM वाले क्लास में जरूर आएगा, उसमें स्पीडी बुक सॉल्यूशन करना है, ठीक है, सभी बच्चे मुझे वहाँ दिखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हैदराबाद के पेगा मकबरों के जीर्णोद्धार का समर्थन करने की घोषणा करी है, बताइए भैया जल्दी से। यहाँ पर कहने की मतलब है हमारा एक देश है अमेरिका, हमारा दोस्त है प्यारा सा, ठीक है, इन्होंने कुछ $US अभी हमारे भारत के हैदराबाद के अंदर, है ना, आपको मिलते हैं क्या, पेगा मकबरे, पेगा मकबरों के संरक्षण के लिए अभी इन्होंने फंडिंग दी थी हमारे भारत को, ठीक है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। फिर आगे आ जाता है, यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन है, CSC अकेडमी किसके साथ मिलकर साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा कर रही है, ठीक है, प्रशिक्षित करने की घोषणा कर रही है, यानी कौन सी मतलब की कंपनी के साथ ये मिली है, कौन सी है, ओम्पो इंडिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी है, ओप्पो इंडिया के साथ मिली हुई है। क्लियर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये है, बताइए इसका आंसर करेंगे, ये भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोगाली, रंगोली, कांगोली, कटी बिहू, वेरी गुड। चलिए आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा, ल्यूमिनियस ने किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण किया, हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण अभी ल्यूमिनियस कंपनी के द्वारा किया है, जैसे आपने इन्वर्टर्स वगैरह देखे हैं ना जो ल्यूमिनियस के आते हैं, तो उसी ने किया है, और हरित सौर पैनल फैक्ट्री अभी ये बनाई गई है उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में बनाई गई। फिर है रिलायंस ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की बात कही थी रिलायंस कंपनी के द्वारा, जिसके आपको ओनर कौन मिल रहे हैं, मुकेश अंबानी। ठीक है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये, अडानी वडानी सब गए, ठीक है ये पीछे हो गए, और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी बात करते तो इन्होंने भारत का जो चेन्नई शहर है इसमें पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की घोषणा करी गई। ठीक है, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की घोषणा करी गई है। अगला, बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल को कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये वैसे हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, बट शपथ इन्होंने अभी 24 अप्रैल को ली। ठीक है, कब? 24 अप्रैल को ली है। आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। ठीक है, तो 23वें, 22वें, 24वें या फिर 26वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, आंसर आना चाहिए सभी का। और लाइक जिसने नहीं किया तो सभी लोग लाइक भी कर देंगे सेशन को। देखो 23 कई लोग बता रहे हैं, 22 निर्मल, हिमांशु 23, दीपक 24। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इससे पहले कौन थे, अब्दुल हामिद, है ना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब्दुल हामिद, यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, इस वजह से इनको चेंज किया गया। और अब कौन आ रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। ठीक है, इनका जो निकनेम है वो है चप्पू, चप्पू बुलाते हैं, और ये यहाँ के 22वें राष्ट्रपति हैं। कौन से? 22वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। अभी हमारे भारत में कई सारे और देश के अंदर भी कई सारे राष्ट्रपति की चुनाव किया गया, ठीक है, अपॉइंट किया गया, जो कि मैंने आपको पढ़ा ही दिया, जैसे पेरू का, फिजी का, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलो ये बताना, स्लोवानिया का शायद नहीं बताया है, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, ये बताएगा। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये दोनों बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग सहर्षा। आप सभी लोग जो टाइम से नहीं आते हैं ना, वो टाइम से जरूर आया करें, नहीं तो फिर क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। और एक दिन अगर आपने क्लास अटेंड करी तो अगले दिन भी अटेंड करना है। सिर्फ 3 दिन दीजिए आप अपने आप को, ठीक है। 3 दिन आप क्लास अटेंड करके देखो करंट वाली। शुरू में भले मतलब आपको ना समझ में आए क्योंकि करंट अफेयर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगर आप 3 दिन लगातार पढ़ते हो तो आपको खुद मजा आने लगेगा करंट पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है नताशा पर्क मुसर, नताशा पर्क मुसर। और ये आपको पता क्या है, ये अभी जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एसएससी जीडी में, तो हो सकता है एमटीएस में भी आ जाए। जॉर्जिया मेलोनी इटली की है, ये अभी भारत देश के अंदर आई भी थी, है ना, जॉर्जिया मेलोनी। ब्राज़ील के कौन है, लूला दा सिल्वा, ठीक है, लूला दा सिल्वा, अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया। लूला इनासियो दा सिल्वा, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, क्लियर हुआ। पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग पंकज, निर्मल। तो जॉर्जिया मेलोनी वैसे भी भारत अपनी आई भी थी। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, ठीक है। वैसे बहुत पहले इनकी हो गई थी, लेकिन जो शपथ ली है वो इन्होंने अभी 24 अप्रैल को ली है, ठीक है। बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू ने 22वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली, ठीक है, 22वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, शेख हसीना है। और अगर हम बात कर लेते हैं, बांग्लादेश हमारे एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि सबसे लंबी सीमा रेखा को ये साझा करता है हमारे साथ। इसकी कैपिटल आपको ढाका मिल जाएगी और करेंसी आपको टका मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अब इनसे जुड़ा हुआ सवाल है ना, चीतों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। हमारे भारत के अंदर चीतों को लाया गया, ठीक है, काफी सारे चीतों को लेकर आया गया, जैसे नामीबिया हो गया, है ना, पहले लाया गया था 8 चीतों को, और अब की अब आपके 12 चीतों को भी लेकर आया गया। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा इन चीतों से जुड़ा हुआ वो बताना है, अभी हाल ही में क्या हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कूनो नेशनल पार्क में उदय नाम के 6 साल के चीते की मौत हुई है। ये नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा? फिलहाल बड़ा ही आसान सा सवाल, ठीक है, वो तो टाइगर का आप बता रहे हो यार, है ना। अब यहाँ पर बताना है चीतों के बारे में। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर यूपी में आपको कूनो नेशनल पार्क मिलेगा, बताओ भैया। सभी लोग आंसर करेंगे, और जिसने लाइक नहीं किया है ना, जैसे आकाश है, हरून लाइक किया कि नहीं, प्रिया, मंगल, हिमांशु, आंसर दीजिए, सभी लोग बताइए ये कूनो नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी मैम, एमपी और कूनो नेशनल पार्क, टाइगर यानी चीते। चलो पटेल विजय, लाइक कर दिया, आपका धन्यवाद, आभार। अब देखो ये आपको कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा, एमपी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, एमपी के अंदर मिल जाएगा, तो ये याद रखिएगा। फिलहाल अभी हम लोग नामीबिया और जो हमारा अफ्रीका है ना, वहां से हम लोग कितने चीते, पहले हम लोग 8 चीते लेकर आए थे और अब हम लोग कितने लेकर आए हैं, 12 चीते लेकर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं 6 साल का एक चीता है जिसका नाम हमने उदय रखा हुआ था, उसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है कूनो नेशनल पार्क में, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, ठीक है। अभी हाल ही में टाइगर सेंसस आया, ठीक है, टाइगर सेंसस आया और इसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर अब चीतों की संख्या कितनी है, बताइए। भारत के अंदर अब चीतों की संख्या कितनी है, 3167 है। कितने चीते बढ़े हैं, तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत के अंदर पिछले डेटा के अकॉर्डिंग 200 चीते बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब भी अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा चीते आपको मिलते हैं, तो वो है कौन सा, एमपी। अभी भी एमपी के अंदर सबसे ज्यादा चीते आपको मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा चीते अभी भी आपको एमपी में मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को, चलो 3167 क्लियर हुआ। अभी हाल ही में आपका एक टाइगर रिजर्व है जिसने अपने 50 साल पूरे किए, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नोट्स बनाते हुए चलेगा प्लीज, ठीक है। इसने अभी अपने 50 साल कंप्लीट करे हैं। ये है कर्नाटक का टाइगर रिजर्व, ठीक है। कैसे कंप्लीट किए, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी जब हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था, और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये हमारी इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया था। तो ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसने भी अपने 50 साल पूरे कर लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा, तो ये कर्नाटका के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा रहेगा हमेशा, तो MP मध्य प्रदेश बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो टाइगर है उदय नाम का है, और अभी हाल ही में इस बेचारे का नाम क्या हो गया, उदय नाम हो गया, ठीक है, और भी हाल ही में इसकी डेथ हुई है कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है, 1973 में आपका आता है। 3167 बताया, तो मैंने भी वही बताया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जैसे 12 चीते लाए गए थे ना, तो उन 12 चीतों में से मतलब एक मर गया, तो कितने बचे, अब 11 चीते बचे हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा, मतलब अभी ये नहीं बता पाया कि क्यों अभी हाल ही में इस चीते की डेथ हुई है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में एक महीने में 2 चीतों की मौत हुई है, ठीक है। पिछले महीने नामीबिया से पहले चरण में लाए गए चीतों में एक साशा की मौत हुई थी, ठीक है, एक इनकी अभी मौत हुई थी, फिर अभी ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताओ भैया। और जिसने लाइक नहीं कर रखा है ना, तो सभी लाइक भी कर देंगे सेशन को। गाय भैंस क्यों नहीं लाते, क्योंकि भारत के अंदर गाय भैंस बहुत सारी है ना, चीते नहीं है। गाय भैंस तो इतनी है कि बेचारी रोड पे घूम रही हैं, ठीक है, उनको खाने को भी नहीं मिल रहा। तो अब ये बताना है कौन हो जाएंगे, ऋषभ पंत है, रणवीर सिंह, कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन। तो आपको पता है कि किसको बनाया गया है, आंसर करेगा जल्दी से, ठीक है, फटाफट से बताओ कौन होने वाले हैं। ऋषभ पंत है, रणवीर सिंह है, कंगना रनौत है, या फिर अमिताभ बच्चन है। बिल्कुल ठीक हो गया। स्टार स्पोर्ट्स के वर्तमान के जो आपके बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया, ऋषभ पंत को, ठीक है, ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है, इनको बनाया गया है। और ये कौन है, ये है ऋषभ पंत। क्लियर हो गई बात सभी को, चलिए तो इसको जरूर याद रखेगा, ठीक है, ये उस क्वेश्चन का लगा है, ठीक है। ऋषभ पंत को अभी हाल ही में यहाँ पर किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपके भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी फेमस वुमेन है भारत के अंदर, या फिर अगर हम पूरे विश्व की भी बात करते हैं तो चर्चित महिलाओं के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। तो अब आप लोग सेशन को एक बार फिर से दमदार तरीके से शेयर कर दो और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल ये रिसेंट का, ये जितने क्वेश्चन करेंगे ना ये सारे के सारे सवाल आपके करंट अफेयर्स के हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है Who won the Femina Miss India 2023 पेजेंट, ठीक है, Femina Miss India 2023 पेजेंट ये किस महिला के द्वारा जीता गया, और आपको बताना है ये कौन से राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बताइए मिस यूनिवर्स, ठीक है, कौन बनी है, ठीक है, और मिसेस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड अभी हाल ही में किसको बनाया गया था, मिसेस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कौन बनी, मिस यूनिवर्स 2022, मिसेज वर्ल्ड 2022। ठीक है, ये दोनों बनाना है। बाकी यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया कौन जीती हैं, तो नंदिनी गुप्ता बनी है, ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से, राजस्थान। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनी है आर बॉनी गैब्रियल, ये बिलोंग करती हैं यूएसए के टैक्सेस से। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड बनी है सरगम कौशल, सरगम कौशल, और ये जेएनके से जुड़ी हुई है यानी जम्मू कश्मीर। सो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिनका पेपर है वो ये वाला पार्ट जरूर अटेंड करें। ठीक है, जिनका भी पेपर है वो ये पार्ट जरूर अटेंड करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर्स के चर्चित महिलाएं करवा रहे हैं आरबोनी गैब्रियल वो हैं। तो देखो, पहली रनर अप कौन थी, श्रेया पूंजा जो कि दिल्ली की है, और सेकंड रनर अप आपको थाउ थनाउजम स्ट्रेला लुवांग मिलेंगी जो कि मणिपुर की थी। ठीक है, जिनका पेपर है एमटीएस का वो जरूर देखें। हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट टू फ्लाई या सोरती ऑन अ सुखोई फाइटर। ठीक है, सुखोई फाइटर जेट जो है, जिसको आपको बता दें अभी ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारत की पहली ऐसी महिला कौन है जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट जो है उसको उड़ाने वाली पहली महिला बनी, तो वो आपकी कौन थी बताइए। आंसर क्या होने वाला है, हाँ ये तो द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन कौन सी पहली महिला है जिन्होंने इसको उड़ाया है, पहली अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी, ध्यान रखेगा। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हु वॉज ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन, AUA की बात करते तो अभी हाल ही में ये वाला अवार्ड किसको गया। ठीक है, किसको गया है, डॉक्टर विजय सोमानी, नित्याब्राहम, रवि कांत शर्मा या फिर नन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसको भी हाल ही में द यंग यूरोलॉजिस्ट, द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया, तो नित्याब्राहम को ये वाला अवार्ड गया है। ठीक है, ये याद रखेगा, ये एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन और प्रोफेसर हैं नित्या अब्राहम, और इनको अभी हाल ही में IUA के द्वारा ये वाला अवार्ड गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर इन ICC मेंस T20I क्रिकेट। ICC मेंस T20I क्रिकेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका किम कॉटन, सेरेना विलियम्स, जॉन केटी या फिर नन, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ICC मेंस T20I क्रिकेट की बात कर ले जाए तो यहाँ पर कौन बनी है पहली महिला अंपायर, किम कॉटन बनी है, और ये बिलोंग करती हैं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा न्यूजीलैंड आपके भारत आपके पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, आपको पता है उसने यंगस्टर्स के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए स्मोकिंग यानी सिगरेट पे पूरा बैन लगा दिया। ठीक है, अब देखो, हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन 68 कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसको किसने जो है अभी हाल ही में ये अवार्ड जीता, तो निशा दाहिया, याद रखेगा, इन्होंने अभी हाल ही में अवार्ड जीता है। बाकी निकत जरीन ने अभी हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ना, इसके अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, जो आपकी निकत जरीन है। ठीक है, अच्छा ST हेटर, ये तो आपको आप ही सोच सकते हो ना, आपके जिसमें मार्क्स अच्छे हो, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो। ठीक है, आप PCM या PCB अगर आप उसमें कमज़ोर हो तो आप कॉमर्स ले लीजिए, या फिर जो आपका आगे फ्यूचर है, आप किस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आप साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो आप ज़रूर साइंस साइड से जाइए। लेकिन अगर आप साइंस नहीं लेना चाहते, अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो आप साइंस मत लीजिए, आप कॉमर्स ले लीजिए या फिर आर्ट्स ले लीजिए, है ना। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द यूनियन आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फीमेल इनफर्टिलिटी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने महिला बांझपन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है ना, राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है बताइएगा। हरिद्वार है, चंडीगढ़ है, पटना है, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। अभी हमारे भारत के अंदर एक स्टेट है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करने की बात बोली थी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल लीव कौन प्रोवाइड कर रहा है, 60 डेज की, केरल। ठीक है, कौन दे रहा है, केरल दे रहा है मेंस्ट्रुअल लीव, तो नई दिल्ली यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, इन विच स्टेट इज द रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम लोकेटेड। ठीक है, अभी हाल ही में एक स्टेडियम था रायबरेली के अंदर, ठीक है, और उसका नाम जो है बदल दिया गया, और नाम बदल के हमारी जो रानी रामपाल है, ठीक है, फेमस हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, इनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम बदला गया है। और ये स्टेडियम आपको कहाँ पर मिलेगा, यूपी के अंदर, यूपी में ही आपको बरेली मिलती है, रायबरेली, है ना, तो उसमें ही नाम बदला गया और नाम बदल के रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बताइए, विच कंट्रीज रेस्लर अंतिम पंगाल वॉन आ सिल्वर मेडल एट द एशियन रेस्लिंग चैंपियनशिप। एशियन रेस्लिंग चैंपियनशिप के अंदर अंतिम पंगाल ने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता और ये कौन से देश के हैं, भारत देश के हैं, ऑप्शन नंबर बी, एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बताएगा, विच एडिशन ऑफ द डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू के द्वारा। अभी जो हमारा भारतीय संविधान है उसका डोगरी संस्करण जो है पारित किया गया था और ये कौन सा एडिशन है, लाइक सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है या फिर फोर्थ एडिशन है, तो ये ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एडिशन। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे संविधान का डोगरी संस्करण जो है निकाला गया था और ये किरण रिजिजू ने जो है निकाला था। अगला क्वेश्चन आता है ये बताएगा कि दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित करी जा रही है। ठीक है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर, ये G20 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे दूसरी वाली सेकंड पूछ रहा है, फर्स्ट अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, सेकंड वाली जयपुर। ठीक है, सेकंड वाली जयपुर में हो रही है और फर्स्ट वाली कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल है, हाउ मेनी ईयर्स वॉर CWG चैंपियन संजीता चानू बैंड बाय नाडा। तो नाडा के द्वारा अभी हाल ही में CWG चैंपियन संजीता चानू है, इनको बैन कर दिया गया और ये कितने सालों के लिए इन पर बैन लगाया गया है बताइएगा, 4, 3, 2 या फिर 5, 4, 3, 2 या फिर 5। उमेश, वेरी गुड यार, ठीक है, तो 4 बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बताएगा, जैसे इन विच ईयर डिड जॉर्जिया तुंजुंग विन द स्पेन मास्टर्स वुमेन्स टाइटल। आपको पता है अभी जॉर्जिया तुंजुंग के द्वारा स्पेन मास्टर्स वुमेन टाइटल जीता गया, बट ये कौन से साल में इन्होंने जीता है। देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 2023 में पढ़ रहे हैं, 2023 चल रहा है तो 2023 में ही जीता होगा। 24 अगर होता तो अभी हमको कैसे पता होता कि 24 में आगे चल के जीतने वाली है, 25 में भी हमको नहीं पता होता कि जीतने वाली है। ठीक है, तो 22 तो है नहीं क्योंकि पुराना होता तो हम पहले ही पढ़ लेते, 2023 लगा देंगे, है ना। अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा कुछ आता है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी चीजें सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे विच कंपनी डिड एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच बिलोंग्स टू व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून। ठीक है, अब बताना है क्रिस्टीना कोच की बात करते हैं, ये कौन किससे जुड़ी हुई थी, जो कि पहली महिला तो जो कि मून के इर्द गिर्द गई है। अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ, इसरो है, DRDO, नासा या नन, बताइए ऑप्शन नंबर सी, नासा से। नासा की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में और इसका मुख्यालय आपको Washington DC में मिलेगा। ठीक है, Washington DC, ऑप्शन नंबर सी, नासा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा। आप बताओ भाई कि DRDO की स्थापना कब होती है, DRDO दिवस हम लोग कौन से दिन मनाए हैं, अभी हमने DRDO स्थापना दिवस भी मनाया था ना कुछ समय पहले, तो आंसर करिएगा। अब ये क्वेश्चन बताना है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सारा थॉमस हु पास्ड अवे। सारा थॉमस के अभी हाल ही में निधन हुआ है और सारा थॉमस कौन है, तो सारा थॉमस एक फेमस ऑथर थी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये ध्यान रखेगा। शी इज अ 2-टाइम रिसिपेंट ऑफ केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको 2 बार केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। बीमारी के चलते 88 साल की थी जब इनका निधन हुआ। ठीक है, इन विच गेम डिड भगवानी देवी डागर एक्सेल। भगवानी देवी जो है ये कौन से गेम से जुड़ी हुई थी, हॉकी, शूटिंग, एथलेटिक्स या फिर नन। सारे ऑप्शंस गलत, बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर करिए क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। हॉकी से जुड़ी है, शूटिंग से, एथलेटिक्स से या फिर नन। भगवानी देवी की बात करते हैं बेटा, ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, शूटिंग वूटिंग नहीं है, एथलेटिक्स से। ये 95 साल की है, 95 ईयर ओल्ड भगवानी देवी डागर हैज वॉन 3 गोल्ड मेडल्स फॉर द कंट्री एट द 9th वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप एट टोर पोलैंड। ये अगर हम बात करते हैं अच्छा रेड में है ना, इसलिए नहीं विजिबल हो रहा होगा, जो मैं बोल रही हूँ वो देख लो, बाकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे बूढ़ी महिला है, देख लो 95 साल की हैं। अभी हम अपने अभी हमारी कुछ ही 22-23 साल के हम लोग हैं, है ना, या फिर 16-17 साल के हम लोग हैं। हम लोग 10 मीटर चलते हैं हम लोग थक जाते हैं, लेकिन ये जो भगवानी देवी है ये 95 साल की है, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना, एक गोल्ड मेडल जीता है फॉर द कंट्री एट द 9th वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स, सुन रहे हो, एथलेटिक्स में इन्होंने जीता, ठीक है। इंडोर चैंपियनशिप जो कि पोलैंड के अंदर हो रही थी, और इन्होंने कितने जीते, 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। 95 साल की हैं, बहुत बूढ़ी हैं, ठीक है। अभी इनकी फोटो नहीं लगी, नहीं तो मैं आपको दिखाती इनकी फोटो, ठीक है, अगली वाली क्लास में दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉन हर फर्स्ट मियामी ओपन क्राउन रिसेंटली, हाल ही में किसने अपना पहला मियामी ओपन का ताज जीता, किसने जीता है बेटा। पेट्रा कवितोवा, एलेना रायबाकिना, सेरेना विलियम्स, साइना नेहवाल। तो पेट्रा कवितोवा ने अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंजलि शर्मा ऑफ विच स्टेट कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लॉन चारी। अभी हाल ही में मैंने अंजलि शर्मा के बारे में इतना बता दिया है कि शायद उनके घर वालों को भी उतना नहीं बताया होगा किसी ने। तो अंजलि शर्मा जो है इन्होंने अभी हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया, जो कि आपको अफ्रीका में मिलता है। और ये जुड़ी है आपकी किस से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड, कौन से राज्य से जुड़ी है, हिमाचल प्रदेश से। और इन्होंने जो ये फतेह किया है ये लुआन चारी पहन के फतेह किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक राजकीय पोशाक है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजकीय पोशाक है। हिमाचल प्रदेश को जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1948 के अंदर एज अ यूनियन टेरिटरी। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला था, ठीक है, जब तब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1971 में। 1948 में की बात करते हैं, ये 4 लिखा है, ठीक है, 1948 में इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जो है इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, तो B ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। अगला क्वेश्चन ये है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 48 कैटेगरी ऑफ IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 48 कैटेगरी के अंदर अगर बात करते हैं, किसने अभी हाल ही में ये जो आपका हुआ है ये जीता है गोल्ड मेडल। तो स्वीटी बोरा, मैरी कॉम, नेहा मलिक, नीतू गैंगिस, बताइए क्या हो गया आंसर, ये है आपकी नीतू गैंगिस, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ध्यान रखिएगा सही है। ये जो चैंपियनशिप हो रही थी ये आपके KD जाधव हॉल IG स्टेडियम में हो रही थी, जो कि नई दिल्ली के अंदर पड़ता है, ठीक है, ये आपकी नीतू गैंगिस है, ना कि स्वीटी बोरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच सिटी इज द रानी कमलापति रेलवे स्टेशन विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आपको भारत के कौन से शहर में मिल जाएगा, बताइएगा, ठीक है। अच्छा क्यों बेटा, तुमको क्या बोले रोहित, ठीक है, और क्या तुम सुनना चाहते हो, तुम्हें बेटा ना बोलूँ मैं, ठीक है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप उसके लिए छोटे ही हो, आप भले मुझसे बड़े एज के होते हैं, बट आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे छोटे हो, मैं आपको बेटा ही बोलूँगी, ठीक है। तो और क्या सुनना चाहते हो तुम, ठीक है, मेरा मन है, मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूँगी, आप मुझे मत बताइए कि आप मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए, और नहीं पढ़ना चाहते तो आप मत पढ़िए, ठीक है। आप वहाँ जाइए जहाँ पर आपको बेटा नहीं बोलना चाहिए, मतलब ना बोला जाए, ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ और बोला जाए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B भोपाल, ठीक है, भोपाल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर B यानी कि भोपाल। हाँ बिल्कुल, अंकल बोल दें इन्हें, चाचा बोल दें, ताऊ बोल दें, ठीक है। अब बताइए क्या है, हु वॉन द, मतलब पढ़ने आए हो, पढ़ना नहीं है, मैम बेटा मत बोलो, हमारा हम हर्ट हो जाते हैं, बेटा बोल दिया तो तुमको चीजें याद नहीं होंगी ना, बेटा बोल दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया, है ना, ऐसा ही कुछ तुम समझ पा रहे हो। पढ़ने आते ही नहीं हो तुम सब, तुम बकवास करने आते हो तुम लोग, मतलब जो ऐसे लोग हैं, बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने आते हैं। हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया कैटलिन पार्कर इन 75 kg फाइनल, बताइए। अब इसका आंसर नहीं पता होगा, बकवास करा लो बस, बताइए 75 kg के अंदर किसने जीता था, अभी जो हमारी ये चैंपियनशिप हुई थी, है ना, 75 kg फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल 75 kg में किसने जीता था, लॉवलिना बोर्गोहन, ठीक है, 75 kg में किसने जीता था? तो लोवलिना बोर्गोहन ने जीता था। कहाँ लिखा है नाम? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी नीतू गैंगेस ने भी जीता है वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताएगा, विच इंटरनेशनल बैंक अपॉइंटेड फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वाना राउसोफ एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन से बैंक ने अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया? तो एनडीबी, ठीक है, एनडीबी के द्वारा अपॉइंट किया गया। ब्राजील की बात कर ली जाए तो वर्तमान के इसके राष्ट्रपति हैं लूला इनासियो दा सिल्वा, ठीक है, लूला इनासियो दा सिल्वा वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इनका क्रम है 39 नंबर के हैं। ये पहले भी इसके राष्ट्रपति बन चुके हैं, इस बार इनका क्रम क्या है? 39 नंबर के राष्ट्रपति ये बने हैं, ठीक है। दिल्मा राउसोफ याद रखिएगा, दिल्मा वाना राउसोफ, ये एनडीबी के अंदर अभी हाल ही में इनको अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बताएगा, जैसे हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट, शी चेंजेस क्लाइमेट ये एक इनिशिएटिव, मतलब जो भी कैंपेन है, इसके अंतर्गत भारत के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? श्रेया गोदावत, रेखा शर्मा, दीप्ति अडवाणी, सीमा व्यास। तो श्रेया गोदावत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेंगे। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीता कलानिधि अवार्ड, संगीता कलानिधि अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, अब ओवर ही होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा ही समय है। तो किसको मिला है? सुधा रघुनाथन, एस सौम्या, बॉम्बे जयश्री, अरुणा साईराम। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? संगीता कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया? बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। और अरुणा साईराम को अभी हमारे फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रेंच जो हमारी फ्रांसीसी सरकार है उनके द्वारा शेवेलियर अवार्ड दिया गया, शेवेलियर अवार्ड, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज पद्म लक्ष्मी बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर एंड एनरोल्ड इन द बार काउंसिल ऑफ स्टेट, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पद्म लक्ष्मी जो है, ठीक है, पद्म लक्ष्मी किस राज्य के बार काउंसिल के नामांकित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं? आंसर करना। सुमेधा आप लोग सेशन में हमेशा आइए, आपको सब याद हो जाएगा सब, लेकिन आप एटलीस्ट सेशन में एटलीस्ट आप लोग 3 दिन रेगुलर आओ, 3 दिन आप रेगुलर आओगे फिर आप अपने आप आते रहोगे, ठीक है। क्या होने वाला है? तो ये बनी है केरल स्टेट के अंदर, ठीक है, केरल स्टेट के अंदर। अभी हाल ही में जो हमारा कर्नाटक है उसके 3 ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर शिक्षक को की नियुक्ति करी गई है, कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। फिर आपको पता है जो हमारा दिल्ली एमसीडी है, दिल्ली एमसीडी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ट्रांसजेंडर को पार्षद चुना गया है, ठीक है, पार्षद चुन लिया गया, और ये इनका नाम है बॉबी किन्नर। तो देश बदल रहा है और बहुत से लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब अपना टाइम फालतू जाया करने के बजाय अपनी पढ़ाई पे दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बताएगा, हु इज द एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट विल ऑपरेट वंदे भारत, हमारे भारत के अंदर वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला किसको अपॉइंट किया गया है? शिखा मल्होत्रा, सुरेखा यादव, किरण यादव या फिर नन? सारे ऑप्शंस गलत, बताइए। हाँ, पहली डीजीपी आपकी सुलेखा बनी है रवि। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, इनका नाम है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर बी है ना, सुरेखा यादव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। भारत के अंदर जो वंदे भारत एक्सप्रेस वैसे अगर देखा जाए तो 15 है, ठीक है, लेकिन अगर क्रम के हिसाब से देखें तो आप कितनी हो गई हैं? 14 वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। और इनका जो क्रम है वो बिल्कुल आगे बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, 100-200 भी पार ये हो सकती है। तो 14 वंदे भारत एक्सप्रेस आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पहली महिला लोको पायलट है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने जा रही हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2023, फरवरी 2023 की बात करते हैं, कौन सी महिला को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड गया? और ये आईसीसी के द्वारा दिया जाता है, किसे? एशले गार्डनर को दिया गया। आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है, इसकी स्थापना आपको दुबई, इसके ये कहाँ पर मिलता है? मुख्यालय दुबई के अंदर मिलता है। और ग्रेग बार्कले आपको दिखेंगे, बट ग्रेग बार्कले बताइए आप लोग कि ये जो है कैसे जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है, ये कौन है? ग्रेग बार्कले कौन है, ठीक है। तो ये एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। एशले गार्डनर वैसे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द न्यू हेल्थ प्रोग्राम आरोग्य महिला लॉन्च। आरोग्य महिला जिसके अंदर 100 हॉस्पिटल्स को बना दिया गया है और भी हॉस्पिटल्स को बनाया जा रहा है, ये कौन है? तेलंगाना के अंदर आरोग्य महिला कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर सालहोतोनो क्रूसे पस्यूम्ड ऑफिस ऑन वुमेन्स डे ईव। किस राज्य की पहली महिला ये है अज्यूम्ड ऑफिस। भाई मैं सोचूं ये कौन सी अंग्रेजी आ गई है ना, अज्यूम्ड है। किस राज्य की पहली महिला मंत्री सालहोतोनो क्रूस ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पद ग्रहण किया। ये कौन से राज्य से जुड़ी हुई है पहली महिला मंत्री जो है अभी इनको बनाया गया है। क्लास का टाइमिंग है बेटा मॉर्निंग 7 AM, ठीक है, मॉर्निंग 7 AM, ठीक है, 7 AM से 8:30 बजे तक चलती है। 7 से 8 करंट अफेयर्स और उसके बाद जो हमारा पहले का करंट अफेयर्स होता है उसका रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अगर हम बात करते हैं किसको नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनाया गया है, तो वो आपकी किसको बनाया गया है, इनको बनाया गया और ये नागालैंड से जुड़ी हुई है। क्लियर है? अच्छा, तो ये है, अभी देख लीजिएगा करंट अफेयर्स बाय अनुपमा मैम, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और यहाँ पर PDF मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। ये सर्च करना और इसको आज ही ज्वाइन कर लो, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर होमवर्क वाला सवाल देंगे। विच स्टेट साइंड अ पैक्ट विद UN वुमेन टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म। देखो अगर हम बात करते हैं टूरिज्म की, जब भी घूमने फिरने की बात करी जाए और महिलाओं की बात करी जाए, उनकी सेफ्टी की बात करी जाए, तो ये ध्यान रखिएगा केरल के अंदर, है ना, केरल के अंदर आपको पता है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म को शुरू किया गया था और ये अभी वर्तमान के में सबसे ज्यादा अगर बात कर ले जाए सबसे ज्यादा सेफ स्टेट है महिला टूरिज्म को लेके, है ना, महिला पर्यटन को लेकर। अगला, अभी इसको पर्यटन को लेके अवार्ड भी मिला था। ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क का सवाल और ये आंसर करेंगे सभी। विच कंट्री टॉप द मीना रीजन इन द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप इसका आंसर बताएंगे सेशन ओवर होने के बाद। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, वैसे मैंने देखा था। 1 मिनट रुकना, देखो क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पटेल है ना और राहुल, जिसको जिसको भी PDF चाहिए वो पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़े, है ना, तभी तो PDF मिलेगी, वरना PDF कैसे मिलेगी, हम घर तो आएंगे नहीं आपको PDF देने, है कि अपना पर्सनल बता दो, आपके घर पे PDF आपको कुरियर करवा देंगे। तो आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और 1 मिनट में देख लूँ कि कल किसने आंसर किया था। वैसे रवि है, रवि डेली आंसर करते हैं, वेरी गुड। आप सभी लोग रवि से कुछ सीखो, है ना, और आंसर किया करो क्लास में, एटलीस्ट आप आंसर करेंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। 1 मिनट रुकना बस, और कल की क्लास में मैं देख लूँ पहले किसने आंसर किया था, कौन ईमानदार बच्चा है, ठीक है, एकदम ईमानदार कौन है यहाँ पर वो देख लेते हैं। अच्छा नहीं हो रहा है कॉल, देखिए आप शाम को 6 बजे के बाद अगर कॉल करेंगे तो नहीं रिसीव होगी, और मॉर्निंग 10 AM के बाद कॉल किया करिए, तब जो है आते हैं सर और वो आपकी कॉल रिसीव करेंगे। तो 10 बजे के बाद आप कॉल करिएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करवा दी जाएगी प्रीतम, ठीक है। और कल क्लास हुई थी और आपने क्लास नहीं ली है तो देखो प्रकाश है, ठीक है, अंजलि है, प्रिया ने आंसर किया है, ठीक है, प्रकाश, अंजलि, प्रिया और राजू, ठीक है, ये तो बड़े, ये सब लोग डेली आंसर करते हैं। उमेश प्रजापति है ना, उमेश ने आंसर किया, और शिवराज कुमार जी ने अपना ही नाम लिखा है। खैर तो यही 3-4 बच्चे हैं जो आंसर करते हैं। आप लोग भी क्लास में आते हो तो क्लास का एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट आंसर कर दिया करो। हाँ, तो जितने भी बच्चे आए हैं क्लास में न्यू हैं, आप लोग एटलीस्ट क्लास को 3 दिन देखो, है ना, 3 दिन आप एटलीस्ट क्लास को देखिए। आप अपने आप को भी टाइम दीजिए और टीचर को भी मौका दीजिए। 3 दिन आप क्लास में आइए लगातार और आपको चीज़ें समझ आने लगी, फिर 3 दिन बाद क्या होगा कि मैम मुझे तो 7 बजे वाली क्लास लेनी ही लेनी है, मुझे बिना करंट अफेयर्स पढ़े तो मज़ा ही नहीं आता। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको सुबह 7 AM उठना पड़ेगा और 3 दिन आप क्लास लेके देखिए, फिर उसके बाद आपकी चीज़ें सुधरने लगेंगी, आपको खुद पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, है ना। क्लियर हो गया? और अभी नहीं, बाद में करिएगा, 10 बजे के बाद करिएगा, ठीक है। चलो हाँ, और 9 AM पे 9 AM पे हमारा डिजिटल लाइब्रेरी पर सेशन होता है। इसमें जो हमारी स्पीडी बुक है ना करंट अफेयर्स की, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरे साल का करंट अफेयर्स। तो जो एसएससी एमटीएस वाले बच्चे हैं वो इस पर 9 बजे ज़रूर आए। जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी बाय एमडी क्लासेस सर्च करेगा वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा और उस पर ज़रूर आएगा, ठीक है। चलो तो सेशन को ओवर करते हैं और बात करेंगे राजू उसके बारे में, ठीक है। सेशन को ओवर करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सेशन को ओवर करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।